आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। इस वजह से हम लोग अपनी स्किन का ठीक से ख्याल नहीं रख पाते हैं और कम एज में ही हमारी एज जो होती है वो ज़्यादा नज़र आती है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा असर करता है। हम लोगों को बहुत बुरा लगता है कि हमारी एज जो है वो कम होते हुए भी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो मैं कुछ ऐसे बेसिक फूड बताऊंगी जिसकी जो कि आपके लिए एंटी एजिंग के तौर पे काम करेंगे, आपके स्किन को रिपेयर करेंगे और नेचुरली ब्यूटीफुल बनाएंगे, आपको नेचुरली आप जवान नज़र आने लगेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में, जिन फूड्स के बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ, वो बहुत यूज़फुल होने वाले हैं आपके स्किन के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए। जब बात ब्यूटी की आती है तो उसमें बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले करता है टमाटर। टमाटर के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि मार्केट में जितने भी एंटी एजिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें टमाटर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया हुआ होता है और उनको केमिकल्स के साथ मिलाकर के ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। तो ये सीक्रेट था जो मैंने आपको बताया, बट अगर आप नेचुरली टमाटर को अपने डाइट में शामिल करते हैं, रेगुलर बेसिस पे अगर आप टमाटर को खाते हैं, तो आपको टमाटर के बहुत सारे गुण आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। टमाटर में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी प्लस लाइकोपिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम के साथ साथ आपके स्किन और आपके ब्यूटी के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। साथ में ये आपकी खून की जो कमी होती है टमाटर, उसको भी दूर करता है और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हेल्दी बनाता है। टमाटर में जो लाइकोपिन होता है, इसकी वजह से आपकी स्किन जो सूरज से निकालने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उनसे आपकी स्किन को बचाता है टमाटर। साथ ही में ये आपके आईज के लिए, आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है, ये आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। तो टमाटर को अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। सेकेंड, मैं दही के बारे में बताऊंगी। दही भी आपके स्किन के लिए, आपके ब्यूटी के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। दही में एक्चुअली लैक्टोज, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब बहुत अच्छे से पाया जाता है। दही आपकी सेहत के साथ साथ आपकी सूरत दोनों को संवारने में काफ़ी अच्छे से काम करती है। अपने डाइट में दही को ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे आपकी डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है और आपके पेट के लिए बहुत अच्छे से होता है। साथ में ये दही का अपना ये गुण है कि दही आपके अंदर गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज़ करता है और जो बैड बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर होता है उसको रिपेयर करने का काम दही बहुत अच्छे से करता है, जो कि हमारे पेट की बीमारियों को रोकने में बहुत अच्छे से हेल्पफुल होती है। और जिन लोगों को भूख कम लगती है उन लोगों के लिए भी दही बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो दही को अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा, ये आपकी ब्यूटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ब्यूटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। साथ में एक और थर्ड चीज़ ये बताती हूँ कि आप अपने खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स को इन्वॉल्व कीजिए, और ग्रीन वेजिटेबल्स में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पालक खाने के ऊपर आपके ऊपर जोर डालूंगी कि आप पालक को अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। पालक आपकी ब्यूटी, आपकी आईज और आपकी हेल्थ तीनों के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। पालक खाने से आपके शरीर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, उसमें क्या होता है पालक में आयरन की मात्रा भी बहुत अच्छी खासी होती है। इस वजह से आपके ब्लड को बढ़ने में, ब्लड को बनने के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है पालक में, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। बालों के लिए भी पालक बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि आयरन की कमी पूरा करने के लिए ये बहुत अच्छे से काम करेगी, इसलिए ये बालों को गिरने से रोकती है पालक। और पालक खाने से आपकी मसल्स, आपकी स्किन की मसल्स भी बहुत अच्छे से मजबूत होंगी। और जितने भी हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए तो पालक बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसीलिए मैं कहूँगी कि पालक को अपने रेगुलरली अपने डाइट में शामिल कीजिए। आप वीकली खा सकते हैं पालक को, हफ्ते में दो बार खाना शुरू कीजिए। जैसे भी आपको पालक मिल जाती है आप पालक को ज़रूर अपने डाइट में शामिल कीजिए। फोर्थ, मैं ये बताऊँगी कि गाजर भी आपके ब्यूटी और आपके हेल्थ दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। गाजर में विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो कि आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। रेगुलरली इसको खाने से, गाजर को खाने से आँखों की रोशनी भी तेज़ होती है। अगर आप गाजर का जूस पी सकते हैं, आपके लिए गाजर का जूस अवेलेबल हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है गाजर के जूस को पीना। बट अगर गाजर का जूस नहीं है तो आप गाजर को ऐसे ही आप अपने डाइट में शामिल कर लीजिए। इसको सलाद के रूप में खाइए, इसको किसी भी सब्ज़ी में मिला करके बना लीजिए। गाजर को किसी भी फॉर्म में अपने डेली रूटीन में इसको इन्वॉल्व करना, अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना बहुत हेल्पफुल होता है आपकी। अगर प्रोटीन की बात किया जाए तो प्रोटीन के लिए स्प्राउट्स को खाना बहुत अच्छा होता है। स्प्राउट्स जो कि हमारे घर में जो दाल होती है, जो अनाज होता है, उनको पानी में भिगो करके स्प्राउट्स को बनाया जाता है।
तो ये जब पानी में भिगो करके बनाया जाता है तब इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, और इसमें प्रोटीन में ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इसकी वजह से, इसको खाने की वजह से हमारे अंदर ताकत और एनर्जी तुरंत ही हम लोगों को इससे मिलती है। स्प्राउट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन सी जो होता है, वो इसको भिगो करके बनाने की वजह से इसमें विटामिन सी की मात्रा भी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है जो कि डाइजेशन में भी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। स्प्राउट्स खाने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपके ये जो स्प्राउट्स होते हैं ये आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्प्राउट्स खाना। स्प्राउट्स को अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। और जब ब्यूटी की बात आती है तो इसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले करता है। ओमेगा 3 आपको फिश से मिलेगा, अगर आप वीकली एक बार फिश खा भी लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपको इसमें से ओमेगा 3 मिल जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आप फिश नहीं खा सकते हैं, तो उसके जगह पे आप फ्लैक्सीड्स को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। फ्लैक्सीड्स माने कि अलसी। अलसी हमारे मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, और ये फ्लैक्सीड्स जो होता है इसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, प्लस ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये आपकी स्किन को रिपेयर करने के लिए, आपकी मसल्स को, आपकी स्किन की जो मसल्स होती हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, आपके जितने भी रिंकल्स और फाइन लाइंस की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, और ये आपके स्किन में ग्लो करने का काम करता है, ये आपकी स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाएगा। तो ओमेगा 3 के लिए आप फ्लैक्सीड्स को बहुत अच्छे से अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। हाँ, इसको आप 2 चम्मच डेली ले सकते हैं, आप इसको डिवाइड कर लीजिए। मॉर्निंग में अगर आप 1 चम्मच खाते हैं फ्लैक्सीड नाश्ते के बाद, तो शाम के टाइम पे 1 चम्मच ले लीजिए। इससे आपको 30 ग्राम्स के आसपास ओमेगा 3 डेली मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी खासी मात्रा है, और आपकी स्किन को ये नेचुरली हेल्दी और ग्लोइंग बनाएगा। तो ये तो थी कुछ फूड्स की बात जो आपकी स्किन को नेचुरली ब्यूटीफुल बनाने का काम करेंगे, बट इसमें कुछ एफर्ट्स आपको भी लेने होंगे, जिसके लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश पूरी तरीके से करनी होगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होगा, अच्छी नींद लेनी होगी, साथ ही में आपको योगा एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना होगा। ये सारी चीज़ें मिल करके आपकी स्किन को हेल्दी और सुंदर बनाने का काम करेंगे। कुछ 1 या 2 चीज़ें ही आपकी स्किन को ब्यूटीफुल नहीं बना सकती हैं, इसमें ये सारा पैकेज होता है जो कि मिल करके अपना अपना काम करता है, और हमारी स्किन नेचुरली हेल्दी और ब्यूटीफुल नज़र आती है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।